فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. जिस तरीके से मैं पढ़ा हूँ आप सब मेरे साथ मिलकर पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन फी अव्वली कलामिना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना محمد في اوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في اخر كلامنا. मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस दरूद शरीफ की फजीलत में आता है कि जो बंदा मोमिन इस दरूद शरीफ को सुबह के वक्त एक मरतबा पढ़ता है तो उसके नामाए आमाल में शाम तलक निकल के जाती है, और जो बंदा मोमिन इसे शाम के वक्त एक मरतबा पढ़ता है तो उसके नामाए आमाल में सुबह तलक निकल के जाती है। तो इस दरूद शरीफ को पढ़ने की आदत लगे। सलाम की सुन्नतें और अदाब। इस्लाम की सबसे बुनियादी अखलाक तलीम मुलाकात के वक्त सलाम कहना है। ये सलामती, अमन और मुसर्रत का पैगाम है जो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को मुलाकात के वक्त देता है। अपने वालिदैन, औलाद, अजीज़ और करीब और दिगर मुसलमान भाइयों से हमें सलाम मिलते वक्त सलाम करना चाहिए कि ऐसा करने से मोहब्बत और भाईचारगी में इजाफा होता है। सलाम करने का सुन्नत तरीका यह है कि जब किसी मुसलमान भाई से मुलाकात हो तो खंद पेशानी के साथ उसे अस्सलामु अलैकुम कहे और जवाब में दूसरा मुसलमान वालेकुम अस्सलाम कहे कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का यही तरीका था कि आप जब किसी से मिलते तो अस्सलामु अलैकुम कहते, और आपसे अगर कोई मिलता आपसे आपको कोई सलाम करता तो आप जवाब में वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहु फरमाते। अस्सलामु अलैकुम का मतलब ये है कि आप अल्लाह ताला की सलामती और पनाह में आ जाए और हर दुख दर्द रंज व गम फिक्र व परेशानी और तमाम आफत मसाइब से बचे रहे। आज के ज़माने में ये आम बात है कि वालिदैन अपनी औलाद को टाटा बाय बाय सिखाने में फ़क्र महसूस करती है, और जब बच्चा जाते वक्त टाटा बाय बाय वगैरह कहता है तो खुशी से मचल जाते हैं। लेकिन हमें चाहिए कि हमें इस्लामी तर्ज पर सलाम करना चाहिए, और जबकि हमें चाहिए अपने बच्चों को बचपन से ही सुन्नत के दायरे में उनकी ज़िंदगी ढालने की कोशिश करना चाहिए और इन्हें इस्लामी तर्ज पर सलाम करना सिखाना चाहिए। वाकिफ़ और नावाकिफ़ का सलाम। वाकिफ़ और नावाकिफ़ का मतलब है जानने वालों को भी, और नावाकिफ़ का मतलब है ना जानने वालों को भी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि आप फरमाते हैं, एक शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा, इस्लाम की कौन सी आदत बेहतर है? आपने फरमाया, खाना खिलाना और वाकिफ व नावाकिफ को सलाम करना।
मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हर वाकिफ व ना वाकिफ को सलाम करना चाहिए। इससे आपस में मोहब्बत व खलूस और खैर खाई और वफादारी के जज्बात पैदा होते हैं। बड़े शहरों के अक्सर बाजारों में आने जाने वालों का भी बना हुजूम होता है और वहाँ हर एक को सलाम करना बहुत मुश्किल काम होता है। इसलिए कम से कम हम जिससे ख़रीदारी कर रहे हो, अगर वो मुसलमान हो तो उसे ज़रूर सलाम करें, और रास्ते पर आते जाते हुए जो मिल जाए उन्हें भी सलाम करने की कोशिश करें। इसलिए कि हर वाकिफ और नावाकिफ को सलाम करना सुन्नत मुबारक है। और एक रिवायत में आया है कि सलाम को फरोग दो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जब तक मोमिन ना बन जाओगे जन्नत में दाखिल ना होगे, और तुम मोमिन ना बन सकोगे जब तक आपस में मोहब्बत ना करोगे। क्या मैं तुम्हें ऐसी बात बताऊं कि जब तुम इस अमल को कर लो तो आपस में मोहब्बत करने लगो। कौन फरमा रहा है? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मैं तुम्हें ऐसी बात बताऊं जिसे तुम अमल कर लो तो आपस में मोहब्बत करने लगो। आपने फरमाया, तुम आपस में सलाम को रिवाज दो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि आपस में सलाम को फरोग दें और आपस में एक दूसरे को सलाम करने की आदत डालें, खुद भी सलाम करें और दूसरों को भी सलाम की तरकीब दें, और अपने बच्चों को बचपन से ही सलाम की आदत बनाएं। और इस रिवायत से ये पता चला है कि अगर कोई शख्स जन्नत में जाना चाहता हो उसे तो उसे ईमान की ज़रूरत है। ईमान के लिए मुसलमानों के हक में अपने दिल में मोहब्बत रखने की ज़रूरत है, और मोहब्बत सलाम ही के ज़रिए पैदा हो सकती है। इसलिए हमें चाहिए कि आपस में एक दूसरे से सलाम करने की आदत बनाएं, ताकि इससे हमारे दिलों में मुसलमानों की मोहब्बत पैदा हो। इस मोहब्बत से हमारा ईमान पुख्ता होगा और वो ईमान हमारे लिए जन्नत में जाने का सबब बन जाएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाल्लाह आगे का दर्स अगले हफ्ते समाप्त करेंगे।